हेलो दोस्तों। तो आज मैं अपने स्कॉर्पियो एंड 4x4 को एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रहा हूँ। ऑल डे मुझे लगभग 350 किलोमीटर कवर करना है, और ये सिर्फ एक ड्राइव व्लॉग नहीं है, एक तरह से एक टेस्ट ड्राइव वीडियो इसको समझ सकते हो आप, क्योंकि मुझे कुछ टेस्ट गाड़ी के करने हैं इस ड्राइव के साथ में। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट, जैसे कि टायर प्रेशर जो है वो कितने अच्छी तरह से मेंटेन हो पाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो टायर टेम्परेचर है वो भी बढ़ता रहता है जब हम लॉन्ग ड्राइव करते हैं, दिन भर गाड़ी चलाते हैं, और जो टायर प्रेशर है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैंने ट्रिप की शुरुआत में ही चेक कर लिया। जो आइडियल कंपनी रेकमेंडेड टायर प्रेशर 34 PSI होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 36, 37 या 38 तक जाता है अगर आप बहुत देर तक गाड़ी चलाते रहते हो ऑल डे। तो दिन भर उसको मॉनिटर करने के हिसाब से मैंने टायर प्रेशर वाला जो सिस्टम है वो कर लिया है, और क्रूज कंट्रोल भी आज मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि इसका क्रूज कंट्रोल जो है कितना अच्छी तरीके से काम करता है, कितना ईजी टू ऑपरेट है, मतलब फंक्शन और इलेक्ट्रिकल जो है ना वो भी चेक करते रहने पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ द फीचर वर्क्स, बिकॉज इट वर्क्स सिमिलरली इन ऑल द कार्स, बट इस गाड़ी में जब अपन ऑपरेट करने जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल कितनी जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी देखना जरूरी होता है। XUV700 के कई सारे फीचर्स इस गाड़ी में नहीं है, जैसे कि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल या पैनोरमिक सनरूफ, लेकिन जो इसमें है उसमें क्वालिटी है या नहीं वो भी चीजें देखनी होती है। अच्छी बात यह है कि क्रूज कंट्रोल बढ़िया वर्क कर रहा, मैंने अपने फादर को भी वो ट्राई करवाया, ही ऑल्सो इज एंजॉइंग इट, क्योंकि वो बार बार RPM को ड्रॉप करते करते गाड़ी चलाते हैं माइलेज के लिए, मतलब क्या करते हैं 70-80 की स्पीड पे चलाएंगे फिर एक्सेलरेटर छोड़ेंगे, तो इंजन को झटका थोड़ा थोड़ा पड़ता रहता है इससे, और हमें फील हो जाता है गाड़ी में थोड़ा थोड़ा कि भाई पावर मिल रही थी फिर छोड़ी। लेकिन अगर आप क्रूज कंट्रोल चलाते हो तो क्या होता है, स्मूथ वे में 1500 से 1800 RPM तक गाड़ी मेंटेन रहती है, और आपको प्रॉपरली वो स्पीड मेंटेन करके देती है जिस पे आपने क्रूज कंट्रोल सेट किया, चाहे 70 हो या 80 KMPH की स्पीड हो, वो स्मूथनेस प्लस अच्छा माइलेज वो है आपको मजा देगा, और फैमिली को भी काफी अच्छा फील करवाएगा, गाड़ी स्मूथनेस अच्छा देती है। अच्छा, जो पिछली बार मैंने ड्राइव किया था डिलीवरी वाले दिन, उस दिन भी मैंने कहा था कि काफी अच्छा लगा, मजा आया, बट अच्छा लगा और मजा आया का मीनिंग जो है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो हमें एक बेंचमार्क सेट करके बात करना पड़ता है कि गाड़ी अच्छी मतलब किससे अच्छी, क्या समझे हम राइवलरी से, कैसे इसको अच्छा समझे। तो मैं अपने लिए तो क्रेटा को बेंचमार्क मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो गाड़ी भी है पहले से और उसको मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों में से कई लोग हो सकता है इसको हैरियर या सफारी या XUV700 से कंपेयर करें, तो मैं उनको बेंचमार्क भी बनाते हुए आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस गाड़ी के बताने वाला हूँ कि गाड़ी कैसी है और कैसी लग रही है मुझको। मैंने इसको रूरल एरियाज वगैरह में भी ड्राइव किया जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रास्ते होते हैं, पतली पतली लाइंस होती हैं, वहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ या गाय भैंस चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, तो हमें सबका ध्यान रखना होता है। फ्रंट कैमरा हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा है ऐसे में। वैसे गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो लो स्पीड पर भी बहुत अच्छा वेल रिस्पॉन्सिव है, बहुत लाइट है, ऐसा लगता ही नहीं इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हैं। इनफैक्ट मेरी क्रेटा से या हैरियर सफारी से भी इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है। XUV700 से थोड़ा सा कम स्मूथ बोलेंगे, लगभग सिमिलर बोल सकते हैं, बट इतनी बड़ी गाड़ी होने के हिसाब से ना बहुत ईजिली हैंडल हो जाती है ऐसे रास्तों पर भी, तो मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है हैंडलिंग के वजह से भी। एंड NVH बहुत कम है इस गाड़ी का, मतलब अगर मैं दरवाज़ा कांच सब बंद रखूं, मेरे फादर बाजू में खड़े हैं कांच के उधर, वो मुझे कुछ आवाज़ देखे बोले मुझे पता ही नहीं चलता, ही हैज़ टू नॉक द विंडो जस्ट टू टेल मी दैट आई हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट ही इज सेइंग। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ NVH इन दिस व्हीकल। और काफ़ी मतलब जब आप गाड़ी चला रहे हो, एक्सेलरेशन अगर आपने नॉर्मल रखा या क्रूज कंट्रोल चला रहे हो, तो गाड़ी में इंजन की आवाज़ भी कम ही आती है, जबकि XUV700 वाले मेरे दोस्त रोहन भाई वो बोल रहे थे कि उनकी गाड़ी में उनको इंजन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा फील होती है। सो NVH slightly is better in Scorpio N as compared to XUV700 is what we are finding as of now। उसके अलावा जो मैंने गाड़ी के डोर्स ओपन करवाए थे तो देखा था कि डैम्पिंग भी काफ़ी अच्छी हो रखी है उसके अंदर, और कुशनिंग वगैरह की हुई है, तो वाइब्रेशंस और नॉइज़ दोनों काफ़ी अच्छे से कम किया है। अब इस सीन में आप देख रहे हो यहाँ पर मैं ना रूरल एरिया में थोड़ा सा छोटी सी चट्टान सी बनी हुई है, वहाँ से गाड़ी को नीचे उतार रहा हूँ, ज़रूरत यहाँ कुछ करने की नहीं है, गाड़ी बहुत सिंपली निकाल सकती है, तो क्रेटा जैसी गाड़ी भी निकल जाएगी और कमेंट वालों का फेवरेट और तो भी यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए 4x4 हाई एक्टिवेट करके देख लिया था, मुझे लगा चलो ट्राई करके देखते, बहुत सीमलेसली गाड़ी वहाँ से निकली, बट मुझे ना धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा था इसको और एक्सपर्ट लेवल पर ऑफरोडिंग करके देखूंगा और देखना चाहूंगा भी। अच्छा, मीनवाइल मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ट्रिप वाइज माइलेज मुझे पता करना था, तो अभी एड्रेनॉक्स तो एक्टिवेटेड है नहीं, तो मुझे ऐप में पता चलने का नहीं, लेकिन इसमें ना अभी इको सेंस भी मिसिंग है इस फीचर में, क्या ऑटोमेटिक 4x4 है तो शायद मैनुअल वालों को इको सेंस दिया और हम लोगों को ऑटोमेटिक में ये दिया नहीं है इको सेंस का ऑप्शन, ऐसा लग रहा है, बट आई विल सी एड्रेनॉक्स एक्टिवेट होने के बाद शायद वो आ जाए, या वो जो डेमो वाला पर्सन आएगा महिंद्रा सेल्स टीम से वो पर्सन से पूछना पड़ेगा कि इसमें हम लोग इको सेंस कैसे देखें, बिकॉज आई वांट टू नो ट्रिप वाइज माइलेज। मैं टैंक मेथड से माइलेज तो दिखाऊंगा ही, लेकिन वो तो एक बार वीडियो बनाने के हिसाब से होगा, अक्सर मुझे टैंक वाइज माइलेज चाहिए होगा, तो आई वांट टू नो कि एक ट्रिप में हम लोगों ने कितना जो डीजल है वो बर्न किया है। अच्छा, अब यहाँ पर रूरल एरियाज हो गए, उसके बाद में मैं एक टाउन से दूसरे टाउन जा रहा हूँ, तो कई बार ऐसे रास्ते भी आते हैं जहाँ पर आपको दो लेन्स एक साथ होती है, डिवाइडर बीच में नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि गाड़ी अपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो कई बार लेन छोड़ करके चलाना पड़ता है, यहाँ गांव में ये बीच में गाय बकरियाँ भी चल रही होती हैं, तो वो बहुत इजीली लेन चेंजिंग वगैरह हो जाती है इस गाड़ी के अंदर, और वापस से रास्ते पर आ जाते हैं, ऐसा कहीं फील ही नहीं होता कि लेन वगैरह चेंज करी।
इसके अलावा गाड़ी के रोड प्रेजेंस का मैंने बहुत ज्यादा मजा लिया। गांव में भी कई लोगों को स्कॉर्पियो पता है, फॉर्च्यूनर पता है, जो वो लोग इस गाड़ी को देखते हैं बोलते हैं अरे स्कॉर्पियो लिखा तो है पर गाड़ी बहुत शाइन कर रही है, बड़ी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। मतलब इतनी डस्टी होने के बावजूद गाड़ी लोगों को प्यारी लग रही है क्योंकि गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत भारी है। गाड़ी का शेप साइज और जो ओवरऑल लुक है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है लोगों को। मतलब मैं अपना बताऊं तो मुझे भी गाड़ी काफी खूबसूरत लगती है, खासकर ब्लैक में, क्योंकि क्रोम वगैरह लगे हैं, शेप बढ़िया दिया है, अग्रेसिव लुकिंग एसयूवी लगती है मुझे। बस टाटा वाले फैंस जो हैं वो, ये टाटा कार ओनर जो हैं वो इसमें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा बताते रहते हैं। मुझे लगता है दोनों कंपनी की गाड़ियाँ काफ़ी सुंदर चल रही है, अपना अपना एक सेगमेंट वाइज लोगों को पता होना चाहिए कि इससे क्या एक्सपेक्ट करना है। तो मुझे इस गाड़ी से जो जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि ये कितनी अग्रेसिव दिखनी चाहिए रास्ते पर, या कितनी डोमिनेटिंग लगनी चाहिए, या ये एक्सपेंसिव वाली जो डी सेगमेंट की एसयूवीज होती हैं उसके जैसी लगनी चाहिए, उनकी रिप्लेसमेंट लगनी चाहिए, राइवलरी लगनी चाहिए, वो सब कुछ मुझे इसमें लग रहा है कि बढ़िया है। और वो चीज़ मैं ना पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं लेकर निकला हूँ गाड़ी को बड़े शहर में, छोटे शहर में, टाउन में, बस्तियों में, गांव में, जहाँ जहाँ इस गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ, लोग अगर पूछ रहे हैं हमें कि ये क्या है, कितने की है, और सुंदर लग रही है, बढ़िया लग रही है, ट्रक जैसे बड़े बड़े टायर क्यों दिख रहे हैं इसमें, इतनी बढ़िया लग रही है यार, और बहुत बोनेट का विजिबिलिटी बढ़िया लग रही है, ऐसी बातें अगर सुनने में आती है, दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट Surely this vehicle is justifying the cost of claiming to be a big daddy of SUVs because it's giving you a great features at a very good cost and मज़ा भी बहुत बढ़िया है, फैमिली को enjoyment है, सेफ्टी बहुत अच्छी है, गाड़ी मजबूत है, भारी भरकम है इसका सारा का सारे पार्ट्स, गाड़ी का वजन भी बहुत ज़्यादा भारी है, बड़े इतने बड़े वजन के बावजूद हैंडलिंग अच्छी है, तो ड्राइवर जो होता है वो भी काफ़ी कंफर्टेबली इसको चलाता है, और टायर्डनेस में फील होने के चांसेस बहुत ही कम है। और वो इस ट्रिप के एंड होने तक के मैं आपको समझाऊंगा भी, और अगली ट्रिप मेरे पचमढ़ी की है तो उस ट्रिप में भी इसके कई सारे टेस्ट होंगे। बाकी ऑल डे चलाने के बाद में इवनिंग वगैरह तक के मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नोटिस की हैं वो ये है कि इसके जो कांच का शेप है और प्लेसमेंट्स हैं, साइज़ है, उससे मुझे विजिबिलिटी में काफ़ी मदद मिली थ्रू आउट द ट्रिप। चाहे वो मॉर्निंग आवर्स हों या वो इवनिंग आवर्स हों, मुझे सनलाइट की प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं हुई, उल्टा पूरे वक्त मज़ा ही आता रहा। अब ऐसा नहीं कि गाड़ी ब्रांड न्यू है इसलिए अपने को शुरू शुरू में लगता ही है, आप लोगों ने कम टेस्ट ड्राइव ली, मैंने ज़्यादा टेस्ट ड्राइव ली है इस गाड़ी की, बहुत बार मैंने इसके वीडियोस बनाए हैं, तो मैंने इसको इन्जॉय तो पहले काफ़ी ज़रा किया है, तो न्यूनेस वाली जो फील है ना वो मेरे लिए थी ही नहीं, ना ही मुझे किसी तरह की डिफिकल्टी या चैलेंजेस फेस हुए इसके साथ अडेप्ट करने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस कार को तो पहले से ही बहुत चला रहा हूँ, तो मुझे संभल संभल कर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। बाद में जब लो लाइट आ गई तो मैंने हेडलाइट वगैरह भी यूज़ किए हैं, पहले भी किए थे, अब दोबारा मैंने इसको लो लाइट में चला कर देखा तो हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा सक्षम लग रहे हैं यार, मुझे कैपेबिलिटीज में हेडलाइट की उतना डाउट नहीं लगा अभी तक के। अभी पिच डार्कनेस पे चलाने में टाइम लगेगा मानता हूँ, लेकिन फिर भी अब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो मैंने टायर प्रेशर के बारे में बात कही थी, टायर प्रेशर आर बैक टू नॉर्मल, ऐसा बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं बढ़ गया है, 34 को 36 37 तक जाते मैंने देखा, और जब सुबह सुबह तक इसको चेक करता हूँ वापस 34 तक आ जाता है ये, तो ओवरऑल मुझे टायर्स वगैरह पे भी कोई डाउट रहा नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा और टायर्डनेस वॉज एब्सोल्युटली जीरो, सो आई एंजॉयड इट अ लॉट। खराब रास्तों में भी इसका कंफर्ट बहुत ज़्यादा बरकरार रहा, तो सस्पेंशन आर ग्रेट, एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी को भी गाड़ी परचेस करनी है तो आप ट्रस्ट कर सकते हो उस गाड़ी के ऊपर, अगर आप अपने ड्राइविंग एंजॉयमेंट और फैमिली फन के लिए देख रहे हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।